Hello students, so today we are going to start the new chapter of algebra 9th standard, second chapter, that is real numbers. So in previous chapter, that is in sets, we already learned the set of natural numbers. So n is the set of natural numbers which contains the numbers from 1, 2, 3, 4 and up to infinity. Next one is the set of whole numbers which starts from 0, 1, 2, 3 and onwards. The set of integers, that is containing 0 positive numbers as well as negative numbers. Then the Q, that is the set of rational numbers which consists of P upon Q, that is rational number Q is the set of all P upon Q such that P, Q belongs to integers and Q is not equal to 0. Means jo rational number rehte hai wo हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं, दैट इज़ पी अपॉन क्यू, फ्रैक्शन फॉर्म में रहते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू वो जो होते हैं वो सब इंटीजर्स रहते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड आर, दैट इज़ द, इट इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो ये जो सब नंबर्स हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, दे ऑल इंक्लूड इन द रियल नंबर्स. सो we can easily write that is n is the subset of w, means n के जो भी elements रहते हैं वो सब w में, that is whole numbers में रहते हैं. whole number is the subset of integers, इसके जो सब elements हैं वो integers में रहते हैं. integers, that is r is the subset of q, means ये जो सब numbers हैं वो q में रहते हैं and q is the subset of r, means q के जो भी elements हैं वो सब real numbers में रहते हैं. So first we are going to see about the properties of the rational numbers. So if A, B, C, that is the small letters, these are the rational numbers, then we see the four properties by of additions and multiplication by taking one example. So first property is the commutative. So what is the meaning of commutative? Commutative means that is if we change the order, it means if A plus B हमने लिया है तो एंड बी प्लस ए लिया है तभी दोनों का आंसर सेम रहता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक दैट इज़ थ्री प्लस टू, सो जो भी आंसर रहेगा वो आंसर एंड टू प्लस थ्री का आंसर, दोनों का आंसर सेम रहता है. इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स देन द आंसर विल बी द सेम. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो रैशनल नंबर के रैशनल नंबर्स में ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें दिखाई देती है फॉर एडिशन एज वेल एज इन मल्टीप्लीकेशन. सेम केस इफ़ यू टेक द प्रोडक्ट, दैट इज़ थ्री इंटू टू एंड टू इंटू थ्री, दोनों का आंसर सेम रहता है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर, दैट इज़ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. नेक्स्ट वन इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो वॉट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सो वी टेक द एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी. पहले दो नंबर्स के लिए हमने ब्रैकेट लगा लिया है. अगर हमने ब्रैकेट डाला तो भी जो भी आंसर आता है वो आंसर और ये आंसर, दैट इज़ हमने यहाँ पे सेकेंड और थर्ड नंबर को ब्रैकेट दिया है, लेकिन इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहता है. सेम केस हमें मल्टीप्लिकेशन में भी मिलती है, दैट इज इफ़ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स ए इंटू बी इंटू सी, इफ़ वी ड्रॉ द ब्रैकेट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड, इसका आंसर जो आता है और फर्स्ट और सेकेंड को हमने ब्रैकेट डाला इसका आंसर, ये दोनों के आंसर सेम रहते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिटी. सो इफ़ वी एड द जीरो, दैट इज इफ ए प्लस जीरो उसका आंसर और जीरो प्लस ए दोनों का आंसर सेम रहता है, दैट इज़ नथिंग बट द ए. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट विद द वन, सो ए इंटू वन एंड वन इंटू ए द आंसर इज ए. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी. नेक्स्ट वन इज द इनवर्स. सो इफ यू टेक द ए एंड द अपोजिट नंबर ऑफ ए, दैट इज माइनस ए, इफ़ वी टेक द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स वी गेट जीरो. सेम हियर, दैट इज ए एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज द वन अपॉन ए, सो इफ वी टेक द प्रोडक्ट देन आंसर इज वन. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स. नाउ देन वी सी द हाउ टू राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर. सो वी गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, बिकॉज द हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स आर आइदर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, और मीन्स इरेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलके रियल नंबर्स फॉर्म होते हैं. सो फर्स्ट वी गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नंबर, दैट इज रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एंड देन वी सी अबाउट द
real number. So decimal form of the rational number, the decimal form of any rational number is terminating or non-terminating, recurring. So what is the meaning of these words? So see, so the first word is terminating type. So termination means stop, non-terminating means without stopping, yes, and recurring. So एक ही नंबर जब बार बार रिपीट होता है तो उसे हम रिकरिंग बोलते हैं. सो टर्मिनेटिंग टाइप. सो हियर आई गिव यू सम एग्जांपल. सो हियर 4/5 मीन्स इफ वी डिवाइड द 4/5 द आंसर इज 0 मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टॉप्स हियर. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्मिनेटिंग. यहाँ पे आंसर आया 0.8 एंड द रिमाइंडर इज 0. इफ वी गेट द रिमाइंडर इज 0 देन इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डिवीजन. So the decimal form, so it is a rational number because every rational number we can write in the form of p/q and we convert this rational form into decimal form. So 4/5 means 0.8. So next example, just we're taking again another example, 45/6. Again it is a rational number since it is in the form of p/q. So if we divide this 45/6, so we'll get the answer 7.5 and the remainder is 0. So it is a terminating. So here I write that is it is a terminating. So everyone I think understand what is the meaning of terminating. Now the second example, third example, that is 1/3. Now see here, if we divide the 1/3, so what is the answer? So 1 cannot be divided by 3. So the first jo division maine quotient likha hai, that is 0. So we are taking 0. So here is a point. Now 3 threes are 9. The remainder is 1, so we're taking 0. So here again 3 3s are 9 and this process going to continue. So it has no end. 10 yahan pe hum phir se 3 3 aisa 3 3 karke infinite number of 3 will get here, means the 3 number is repeated here. So it is called as a recurring. Recurring means 3 jo hai wo bar bar aaya hai, only 3 number is repeating here. And so this answer we can write like this one also, that is 0.3. यहाँ पे हम ऐसा डॉट लिख सकते हैं या ऐसी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि 3 जो नंबर है वो बार बार यहाँ पे आया है. जो नंबर बार बार आता है उसके ऊपर ही हम ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या डॉट दे सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. सो यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई है, ये प्रोसेस अभी भी चालू है, हम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बार बार वही आंसर आने वाला है. सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग. एंड व्हाई वी से इट इज रिकरिंग, बिकॉज 3 नंबर बार बार आया है. सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स और दिस टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 1/3? इट इज 0.3 बार. कैसे हमें इसे पढ़ना चाहिए? दैट इज 0.3 बार. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 7/12. सो सी यहाँ पर भी वैसे ही हमें मिल रहा है, दैट इज हम जब इसको डिवाइड करते हैं, सो यू सी द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. यहाँ पे 40 आया है, सो 12 थ्रीज आर 36. सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम 3 आया है, सो आंसर अगेन 40, देन वी अगेन डिवाइडेड बाय 3. सो 40 यहाँ पे नंबर रिपीट होने वाला है. सो कौन सा नंबर रिपीट होता है? यहाँ पर भी 3 नंबर रिपीट हो रहा है. So how we can write the answer here? Again, the answer is 0.58. Only 3 number is repeated here. So just we have to draw the arrow on the 3 number. So here also the process is not terminating. So it is non-terminating and recurring since the 3 number is repeated here. So understand that is how what is the meaning of terminating and non-terminating recurring type. So the concepts just we're going to see first and then we'll start the exercise. So next one, the if the prime numbers, so see the a very important concept of this rational numbers. So if the prime factors of q means q is always in the denominator, so you see the every rational number we can write like this one, that is p/q,
एंड हम ये क्यू के बारे में बात करें, दैट इज इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और फाइव, मीन्स अगर हमें क्यू जो नंबर है यहाँ पे जो भी होगा उसके जो फैक्टर्स हैं वो हमें टू और फाइव के और बोथ दैट इज टू एंड फाइव इनके साथ मिलते हैं, देन द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू इज ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। मीन्स हम सिर्फ देख के पता चल सकता है हमें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ सी दिस इन दिस एग्जाम्पल फोर अपॉन फाइव, सो ये जो क्यू है दैट इज़ फाइव है वो हम कैसे लिख सकते हैं, हियर दैट इज़ फोर अपॉन फाइव, ओनली डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट डाउन, सो फाइव इट रेज टू वन, देर इज़ नो टू नंबर सो वी कैन राइट टू लाइक दिस वन ऑल्सो। मीन्स ये क्यू जो है वो हम इस प्रकार अगर जो लिख सकते हैं तो ये जो नंबर है वो नहीं, वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, मीन्स इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू और आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और फाइव और बोथ टू एंड फाइव देन द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। मीन्स अगर हमें ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है कि जिनके डिनोमिनेटर में अगर टू एंड फाइव का कॉम्बिनेशन और टू और फाइव का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो ये जो नंबर है उसका डेसिमल फ्रैक्शन ऑलवेज टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा। सी हियर अगेन दैट इज 45 अपॉन 6, सो हाउ वी कैन राइट, जस्ट आई एम गोइंग टू शो दैट इज 45 अपॉन 6। सो ये जो 6 नंबर है हमें सिर्फ 6 के बारे में लिखना है तो 6 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, सो सॉरी 2 × 2, सॉरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 3 × 2, 3 × 2 = 6। सो हाउ वी कैन राइट दिस नंबर लाइक द इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, यस इज इट पॉसिबल टू राइट। सो यहाँ पे हमें ये जो नंबर है ये नंबर हमें 2 and 5 के प्रोडक्ट में और सिर्फ 2 और 5 के बारे में हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सो यू हैव टू ट्राई इट एट होम एंड जस्ट चेक आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5 सो देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मीन्स अगर उसके फैक्टर्स 2 और 5 नहीं है अदर देन 2 और 5 है देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मीन्स यहाँ पे जो हमने दिखा जो रूल्स दिया है वो ऐसा ही दैट इज 1/3 जो है अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो ये जो एग्जांपल है इसमें हम जो इसका फैक्टर है 3 का डिनोमिनेटर का वो हम 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं सो इसका जो आंसर है वो ऑलवेज कैसा रहेगा दैट इज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। सो टू एक्सप्रेस द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, सो दिस वन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, द एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर दिस ऑफ दिस कंसेप्ट। सो टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म इज वॉट, सो काउंट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो हाउ टू सॉल्व दिस वन, सो जस्ट द प्रोसेस आई हैव गिवन दैट इज काउंट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। मीन्स वॉट, सपोज वी आर गिवन द नंबर दैट इज 2.5 एंड द बार शोज दैट इट इज रिकरिंग, 5 नंबर इज रिकरिंग, सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर द पॉइंट्स, सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स, सो हाउ मेनी रिकरिंग डिजिट्स आर देयर, ओनली वन, only 5 is recurring here, decimal point in the rational number and multiply it by either 10 or 100 or 1000, means agar wahan pe ek hi number recurring number hai to hame use 10 se multiply karna hai, agar do numbers recurring honge to hum usko 100 se multiply karenge, 3 numbers recurring honge to hum ise 1000 se multiply karenge, see the number of zeros here, सो सिंस वन नंबर इज रिकरिंग 1 0, टू नंबर्स रिकरिंग 2 0, थ्री नंबर्स रिकरिंग 3 0, जस्ट
keep in mind like this one. Now see one example. So convert the 0.5 recurring or 0.5 bar in p upon q. मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो फ्रैक्शन में है नंबर उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था. अब यहाँ पे जो नंबर डेसिमल में है उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो यह एक्स इज इक्वल्स टू ये जो नंबर है हमें 0.5 बार इसके लिए हमने एक्स कंसिडर किया. सो एक्स इज इक्वल्स टू 0.5 बार इसको हम इक्वेशन वन बोलते हैं. सो सिंस ओनली वन नंबर इज रिकरिंग हियर सो मल्टीप्लाई द बोथ साइड्स बाय 10. मैंने अभी बोला था एक ही नंबर रिकरिंग होगा तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. सी द 0 1 0 1 रिकरिंग 2 0 2 रिकरिंग 3 0 3 रिकरिंग. सो यहाँ पे एक ही नंबर रिकरिंग है. सो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10x सो यहाँ पे 10 इंटू एक्स. सो हियर वी गेट दैट इज इफ़ वी मल्टीप्लाई द 0.5 बाय 10 सो व्हाट वी गेट ओनली 5. सो हियर वी आर टू राइट डाउन 5 एंड दिस रिकरिंग बार रिकरिंग जो नंबर है वो हमें ऐसे ही लिखना है. यहाँ पे सी हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई द 0.5 डोंट सी दिस बार 0.5 को हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 5 मिलेगा. सो हमें 5 लिखना है पॉइंट देके. ये जो रिकरिंग नंबर है वो हम ऐसे ही लिखने वाले हैं. ये सेकेंड नंबर होगा. सो हमें फर्स्ट जो है वो सेकेंड में से सब्सट्रैक्ट करना है. ये बड़ा है 10x सो वी टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड माइनस 1. इट्स नॉट अ डैश इट्स अ माइनस साइन. सो वी हैव टू टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड माइनस 1. सो 10x माइनस एक्स दैट इज 1x. देर इज़ नो एनी नंबर सो इट इज़ 1x इज इक्वल्स टू दिस सी दिस नंबर 0.5 बार माइनस 0.5 बार. नाउ सी 10 माइनस 1 इट इज़ 9x एंड सी वेन एवर वी टेक द सब्सट्रैक्शन सो दिस बार दैट इज प्लस यहाँ पे प्लस साइन है. सो प्लस 5 बार एंड माइनस 5 बार गेट कैंसल. सो ओनली द आंसर इज 5. सो यू आर राइट 9x इज इक्वल्स टू 5. सो एक्स इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9. सो द आंसर ऑफ 0.5 बार इज 5 अपॉन 9. So this one is all about these concepts in the chapter. Now we are going to see the practice set 2.1. So see the first question. So classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring. हमें ये number देख के बोलना है कि ये terminating है या non-terminating है. इसके लिए अभी मैंने बताया था कि अगर जो denominator का number है वो अगर हम 2 into 5 के form में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग रहता है. अदरवाइज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो सी 13/5 द फर्स्ट नंबर. सो वी हैव टू टेक द डिनोमिनेटर दैट इज 5. वी कैन राइट द 5 लाइक दिस वन दैट इज 1 × 5. सो 1 हम कैसे लिख सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू नो द रूल्स ऑफ इंडाइसेस दैट इज एनी नंबर हैविंग द पावर 0 द आंसर इज 1. सो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो हियर 2 raised to 0 is 1 and so the answer is 5. So we can write this number in the form of 2 × 5 and so the denominator is of the form of 2 raised to m into 5 raised to n. The decimal form of the rational number will be terminating time. अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो वो terminating रहता है. Otherwise वो non-terminating रहता है. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमें direct उसको divide करना है. That is 5. 13 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और आंसर ढूंढ लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन इसमें बहुत टाइम जा सकता है. सो ये मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपको वो जल्दी आप कर पाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज़ द 2/11. नाउ सी दिस नंबर 11. सो वी कांट राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5. सो द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to m × 5 raised to n. सो द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. आंसर नहीं पूछा गया है. सो वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस वन. नेक्स्ट वन इज द 29/16. नाउ सी द 16 वी कैन राइट लाइक दिस वन दैट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 1. सो हियर वी कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस वन दैट इज 2 raised to 4 × 5 raised to 0. बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो वी कैन राइट हियर 5. सो 2 raised to 4 × 5 raised to 0. So the denominator is in the form of 2 raised to m × 5 raised to n. So the decimal form is terminating time. Now see the fourth example.
that is 17 upon 125. So we have to write down the 125. So 1 into 5 into 5 into 5. We write here 1 because we can write here 2 raised to 0 because here we get 5 raised to 3. So we have to write down it like this one, that is 2 into 5. So the denominator is of the form of 2 raised to m into 5 raised to n. So the decimal form of the rational number will be terminating time. So this one is all about the question number 1. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.